तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली दंगों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं, 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं कोर्ट ने। कोर्ट ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सभी ने भीड़ को उकसाने का काम किया था, यह कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने यह कहा है कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए उकसाने का भी जो आरोप है अब ताहिर हुसैन पर तय कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ताहिर हुसैन पर कथित तौर पर हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी तरीके से जमा होने के आरोप भी तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा इन दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन को लेकर कोर्ट ने एक और बड़ी और गंभीर बात कही है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी दूसरे लोगों को, हिंदुओं को सबक सिखाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने का काम कर रहे थे और इसी सिलसिले में ताहिर हुसैन समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ अब आरोप तय कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें आरोप तय हो चुके हैं आपके जो पूर्व निगम पार्षद ने बर्खास्त कर दिया था ताहिर हुसैन पर। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शेखर जी। शेखर, ताहिर हुसैन पर ये आरोप तय हो गए हैं और ताहिर हुसैन के घर से जिस तरीके से पूरा साजिश का सामान मिलने की बात सामने आई थी, उनके घर से पेट्रोल बम भी मिले थे और पूरे हथियार भी मिले थे, तो अब ये आरोप तय कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल जेतन, बेहद ही गंभीर मामला है। 24 फरवरी 2020 का ये मामला है। दिल्ली में जो दक्षिण दिल्ली का इलाका था वो पूरी तरीके से दंगों की आग में झुलस रहा था और तब ये यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता रहे ताहिर हुसैन जो है वो इस चीज़ में शामिल है। लेकिन अब जैसे जैसे ये केस खुलता जा रहा है, जिस तरीके से आरोप तय किए गए हैं उसके बाद उनकी जो इरादे थे, उनकी जो मंशा थी, वो पूरी तरीके से साफ होती जा रही है। ये भी चेतन आपको बता दूं कि इस दंगे में 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 700 लोग जो हैं वो करीब घायल हुए थे। और ये दंगे जो हैं, ये जो सिटीजनशिप लॉ लाया गया था उसके खिलाफ जो है ये दंगे तब ताहिर हुसैन की लीडरशिप में कहें तो भड़के थे और उसे ही लेकर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब इनके खिलाफ ये आरोप जो हैं वो हैं और इस पर ट्रायल आगे चलाया जाए। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि ताहिर हुसैन, शाह आलम, नजीम, कासिम, रियासत और लियाकत ये लोग जो हैं विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा, इस पर ये आरोप तय किए हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात कोर्ट ने कही है वो ये है कि हिंदुओं को सबक सिखाना है, इस इरादे से ताहिर हुसैन ने दंगों को भड़काने की कोशिश की, ये आरोप जो हैं वो उनके ऊपर तय किए। ये एक बड़ी बात है कि ये कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि मुसलमानों को, कि हिंदुओं को सबक सिखाना है और किसी को भी निकलने नहीं देना है, तब वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हुआ करते थे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी जिम्मेदारी तय करता है कि उसके एक पार्षद ने इस तरह की गतिविधियों में वो शामिल रहा। हालांकि अभी ये आरोप ही हैं, अब आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। तो ये एक बड़ी चीज़ है, यहाँ पर अब कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, इसके बाद ट्रायल होगा और अब आगे जाकर हो सकता है कि इंसाफ हो उन लोगों के साथ जिन लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई है। 53 लोगों की मौत हुई है, 53 परिवारों ने अपने सदस्यों को एक तरह से कहें तो खोया है और 700 लोग इन दंगों में घायल हुए थे। तो ये एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि हिंदुओं को सबक सिखाने के मकसद से मुस्लिम भीड़ को भड़काने की कोशिश जो है वो ताहिर हुसैन कर रहे थे। जी बहुत धन्यवाद शेखर आपका। तो अब ये बड़ी अपडेट है कि ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे उनके ऊपर अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और साफ तौर पर कोर्ट का बयान है कि किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का काम किया था, यह भी आरोप कोर्ट की तरफ से ताहिर हुसैन और 7 अन्य लोगों पर तय कर दिए हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।